hello students hope so you are fine and well today we are going to start our part 2 of revision of s7 so be ready for it so today we will see question number 2 filling the blanks according to our paper pattern now i'll start so please listen it carefully and you will write it in our grammar book because it is very important for s7's exam first is they blank lunch at school अब यहाँ पर दे है यानी कि प्लूरल है तो इट्स नहीं आएगा आएगा इट तो दे एट लंच एट स्कूल सेकेंड इज शी ब्लैंक टू लर्न फ्रेंच अब आपको पता है ही शी इट होता है तो पीछे एस या ई एस एड होता है तो यहाँ पर वॉन्ट नहीं आएगा आएगा का वॉन्ट्स शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच थर्ड वन इज I read the newspaper. अब यहाँ पर रीड क्यों आया है क्योंकि I V यू दे में जो V1 है वो ही आता है S और ई एस नहीं होता फोर्थ इज द मून ब्लैंक बाय नाइट अब यहाँ पर मून है तो क्या हो जाएगा इट होगा तो यहाँ पर शाइन नहीं आएगा आएगा shines. द मून shines बाय नाइट नेक्स्ट इज ही ब्लैंक टू स्कूल बाय बस अब यहाँ पर ऑप्शन है गो और गोज़ तो यहाँ पर ही है इसलिए पीछे एस या ई एस एड होगा हमने जब ये टॉपिक देखा था तभी हमने देखा है कि किस आ, किस वर्ब में एस और किस वर्ब में ई एस एड होता है तो यहाँ पर लास्ट व, आ, लेटर है वो ओ है इसलिए ई एस एड हो जाने से गोज बन जाता है तो यहाँ पर ही गोज़ आएगा ही गो नहीं आएगा ही गोज़ टू स्कूल बाय बस सिक्स वन इज माई पेरेंट्स आर सो काइंड आई लव ब्लैंक एंड द ऑप्शंस आर धैम और दे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसलिए दे नहीं आएगा आएगा धैम सेवेंथ वन इज सीता इज अ क्लेवर गर्ल ब्लैंक वर्कस हार्ड अब यहाँ पर हर नहीं आएगा हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन ऐड करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऐड करना होता है तो हर आ सकता है पर जब भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं तब हर नहीं आएगा आएगा शी शीता इज अ क्लेवर गर्ल शी वर्क हार्ड एथ वन इज स्पीक टू ब्लैंक दे आर नाइस यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है इसलिए आएगा देम स्पीक टू देम दे आर नाइस नाइन्थ इज आई नीड ब्लैंक शुगर एंड द ऑप्शन आर अ लिटल एंड अ फ्यू अब शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ अ लिटल आएगा और जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ अ फ्यू आता है तो यहाँ पर आएगा अ लिटल आई नीड अ लिटल शुगर नेक्स्ट इज ब्लैंक ऑफ हिज आंसर्स वर राइट अब ऑप्शन है अ फ्यू एंड अ लिटल तो यहाँ पर आंसर्स हम काउंट कर सकते हैं अगर मैंने आपको तीन पूछे तो आपके दो करेक्ट है तो हम बोल सकते हैं कि दो आंसर है वो करेक्ट है और एक है वो इनकरेक्ट है इसलिए ये काउंटेबल है तो इसके आगे आएगा अ फ्यू अ फ्यू ऑफ हिस्स आंसर्स करेक्ट नेक्स्ट ही हैव ब्लैंक न्यू बुक्स अब यहाँ पर हम बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं इसलिए क्या आएगा अ फ्यू ही हैव अ फ्यू न्यू बुक्स ट्वेल्थ इज आई हैव ब्लैंक वेरी शार्प नाइफ्स अ लिटल एंड अ फ्यू इसमें से क्या आएगा नाइव्स होते हैं नीफ होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं इसलिए आएगा अफ्यू आई हैव अ फ्यू वेरी शार्प knives. नेक्स्ट इज ही नोज ब्लैंक संस्कृत अब संस्कृत एक लैंग्वेज है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए इसके साथ हम अ फ्यू यूज़ नहीं कर सकते आएगा अ लिटल ही नोज अ लिटल संस्कृत फोर्टींथ इज वी हैवेंट विजिटेड दैम ब्लैंक अ वीक यहाँ पर कोई प्रॉपर डेट नहीं दी गई है या प्रॉपर डे नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर आएगा फोर यहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं इसलिए आएगा फोर नेक्स्ट आई हैवेंट मैट डॉक्टर सेठ ब्लैंक लास्ट दिवाली अब यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर दिया गया है कि लास्ट दिवाली इसलिए यहां पर आएगा सिंस सिक्स इज जैनी एंड जॉन हैव बिन लर्निंग इंग्लिश ब्लैंक सिक्स ईयर्स अब यहाँ पर देखिए नाइनटीन एटी टू थाउजेंड फाइव ऐसा कोई प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर आएगा फोर क्योंकि सिक्स ईयर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है इसलिए द जैनी एंड जॉन हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर सिक्स ईयर्स इस तरह से सेंटेंस बनेगा नाउ नेक्स्ट इज आई हैव लिव्ड हियर ब्लैंक नाइनटीन एटी अब देखिए यहाँ पर, पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है 1980 इसलिए यहाँ पर आएगा सिंस आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980 नाउ टुडे वी विल आल्सो सी द फीलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक प्रोनाउंस सो फीलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस फर्स्ट इज आई हैव अ डॉग इट्स कॉल्ड टॉम अब यहाँ पर उसके पास एक डॉग है जिसे हम टॉम कहते हैं इसलिए आएगा इट्स सेकेंड इज The visitors are here. Don't quarrel in front of them. अब यहाँ पर visitors की बात कर रहे हैं जिसमें हम include नहीं हैं इसलिए आएगा them. Third is Anju is my best friend. Blank is in my class. अब यहाँ पर हमें subject pronoun use करना है इसलिए आएगा she. यहाँ पर अंजू लड़की है इसलिए आया she. अगर राजू या किसी और लड़के का नाम होता तो आता ही फोर्थ one इज़ व माई सूट केस टू ब्लैंक एंड देर सूट केस टू ब्लैंक अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मेरी सूट केस मुझे दो और उनकी सूट केस उनको दो इसलिए आएगा गिव माई सूट केस टू मी यानी कि मेरी सूट केस मुझे दो एंड देर सूट केस टू दैम यानि कि उनकी सूट केस उनको दो नेक्स्ट इज दिस कैट इज ब्लैंक नॉट ब्लैंक अब हमें क्या कहना है कि ये कैट मेरी है तुम्हारी नहीं है इसलिए दिस कैट इज़ माइन नॉट योर्स सिक्स इज दिस इज माई कार वेर इज प्लैंक अब ये मेरी कार है तो तुम्हारी कहाँ है हम जनरली किसी से ये पूछते हैं इसलिए यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है इसलिए आएगा योर्स ठीक है दिस इज माई कार वेर इज योर्स

तो हमें चेंज का वी टू फॉर्म लिखना है तो आएगा पायल चेंज स्कूल यानी कि पायल ने उसकी स्कूल चेंज कर दी थी थर्ड वन इज बॉयज ब्लैंक विथ बॉल तो यहाँ पर है ब्रेकेट में प्ले नाउ वी विल फील द ब्लैंक विथ वी टू फॉर्म ऑफ प्ले सो प्ले का वी टू फॉर्म क्या होता है प्लेड तो बॉयज प्लेड विथ अ बॉल इस तरह सेंटेंस बनेगा कि जो बॉयज थे वो बॉल से खेल रहे थे फोर्थ इज द रेन प्लैंक एंड और अगो यहाँ पर ब्रेकेट में है स्टॉप तो अब स्टॉप का वी टू फॉर्म होता है स्टॉप्ड तो आएगा द रेन स्टॉप्ड एंड और अगो फिफ्थ वन इज शी प्लैंक हर वर्क एट सिक्स ओ क्लॉक एंड ब्रेकेट में है फिनिश जिसका हमें वी टू फॉर्म फील करके ब्लैंक को फील करना है ठीक है शी फिनिश्ड हर वॉक एट सिक्स ओ क्लॉक उसने अपना काम छः बजे फिनिश कर लिया था नेक्स्ट इज मान्या प्लैंक विथ हर डॉग अब ब्रेकेट में है वॉक यानी कि मान्या अपने डॉग के साथ वॉक कर रही थी इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है इसलिए आएगा मान्या फिर वी टू फॉर्म वॉक विथ हर डॉग एंड द लास्ट इज आई ब्लैंक द क्लास लास्ट वीक और ब्रेकेट में है मिस इसलिए हमें मिस का वी टू फॉर्म ब्लैंक में फील करना है आई मिस्ड द क्लास लास्ट वीक इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि मैंने अपना क्लास लास्ट वीक मिस कर दिया था आज मैं हमने जितनी भी फीलिंग द दे ब्लैंक्स देखी है वो सारी आपको कंपलसरी नोट में लिखनी है क्योंकि मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so आपको कंपलसरी लिखनी है आपने पहले लिख ली है तो भी आपको अब दूसरी बार एज अ रिविजन लिखनी ही है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन का रिविजन देखेंगे टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम गुड बाय